नमस्कार। कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज श्री ढोरनाथ उच्च विद्यालय के प्रांगण में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे अभिभावक, शिक्षक और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। उसका सीधा आंखों देखा हाल मैं कनक जीवन चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अभिभावक में से मैं चाहूंगा सर आए। अब एफ सेक्शन ताली से स्वागत करें इस बच्चे का, उत्साह आवर्तन करें अभिभावक गण और इसके सहपाठी शिक्षक गण। अब एफ सेक्शन की छात्रा तैयार रहेंगे खुशी कुमारी, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो आ जाएंगी खुशी कुमारी, और उनके पुरस्कार वितरण के लिए अभिभावक महिला आ जाएंगी, उत्साह आवर्धन करेंगी। चलिए ताली बजाएं आप। और सर ये पुरस्कार और मैडम इस छात्रा को विद्यालय स्तर पर दिया जा रहा है, इन्होंने प्रथम किया। मैं चाहूंगा कि दो शब्द आने वाले समय के लिए ये क्या देना चाहेंगी अपने भाइयों को, अपने बहनों को, किस तरह से इन्होंने अच्छा अंक प्राप्त किया है उसका रहस्य। और मेरा मैट्रिक में कुल अंक 456 है। छात्रों को कोई संदेश आपके तरफ से? छात्रों को क्या प्रेरणा देना चाहती है? तो सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य चुने कि हाँ मुझे मतलब इतना स्कोर करना है या फिर मुझे आगे क्या करना है, और अपने लक्ष्य को देखकर ही अपनी अपना मेहनत जारी रखें और आप अच्छा कर सकते हैं, कोशिश करिए, बहुत अच्छा होगा। श्री ढोरनाथ, हम सभी जानते हैं हमारे जीवन में विद्यालय का बहुत ही अहम भूमिका रहती है, और हमारे विद्यालय में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, बच्चों को डेली मोटिवेशन दिया जाता है, और जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर कराया जाता है, और मतलब बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद, बहुत सुंदर। मैं दो शब्द मात्र समय, दो शब्द आपने किस लगन के साथ किए, बीजानपुर को एक फल के रूप में, एक वृक्ष के रूप में ढालने का प्रयास को कि आपने ऐसे तेजस्वी छात्रा को मेरे यहाँ भेजा। और मेरा मैट्रिक में कुल अंक 456 है। छात्रों को कोई संदेश आपके तरफ से? छात्रों को क्या प्रेरणा देना चाहती है? तो सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य चुने कि हाँ मुझे मतलब इतना स्कोर करना है या फिर मुझे आगे क्या करना है, और अपने लक्ष्य को देखकर ही अपनी अपना मेहनत जारी रखें, और आप अच्छा कर सकते हैं, कोशिश करिए, बहुत अच्छा होगा।